तो गाइस आज की इस वीडियो में बनाने वाले हम एक काफ़ी छोटा सा गाइस इन्वर्टर। तो गाइस इस इन्वर्टर को बनाने के लिए आपको चाहिए ये एक ट्रांसफार्मर, जो कि आपको किसी भी ख़राब मोबाइल चार्जर के अंदर से मिल जाने वाला है। तो इसको आपको निकाल लेना है। तो गाइस इसके अंदर होती है टोटल 6 लेग, तो इसको आपको निकाल लेना है। तो इसको बाद जो गाइस कंपोनेंट चाहिए वो होता है हमारे पास एक ट्रांजिस्टर, जिसका नंबर है गाइस D882। तो ये आपको मार्केट के अंदर 2 या 3 रुपये के अंदर मिल जाने वाला है। तो गाइस इसके बाद हमें चाहिए ये एक 33 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ये भी आपको मोबाइल के सर्किट के अंदर मिल जाने वाला है। तो चलिए गाइस इसको बनाना शुरू करते हैं। गाइस तो ट्रांजिस्टर की बीच वाली लेग को आपको जो ट्रांसफार्मर का फर्स्ट लेग है उसके ऊपर सोल्डरिंग। इसके बाद के अंदर गाइस जो ये ट्रांजिस्टर के ऊपर ब्लू वायर है इसको आपको गाइस ट्रांसफार्मर के फोर्थ वाले लेग पे सोल्डरिंग कर लेना है। ये पूरा वीडियो गाइस मैं दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि गाइस जो पहले मैंने इसी की वीडियो बनाई थी वो गाइस कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसके अंदर, तो मैं इस वीडियो को दोबारा पूरा शूट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो गाइस अभी आपको रेजिस्टेंस लेना और गाइस आपको ये ट्रांसफार्मर की दूसरी और तीसरी लेग के ऊपर सोल्डरिंग कर लेना है। तो इसको इनपुट देने के लिए आपको एक रेड वायर लेना है और गाइस आपको इसको ट्रांसफार्मर के दूसरे वाले लेग के ऊपर सोल्डरिंग कर लेना है। तो गाइज अभी हमारा सर्किट पूरा बन के रेडी हो चुका है और गाइज ये दो वायर्स हैं, ये गाइज आउटपुट के लिए हैं, यहाँ से हमें 220 वोल्ट ऐसे मिलेंगे। और गाइज ये दो वायर हैं, ये हमें हमारे डीसी के, यहाँ से हमें इनपुट देना होगा 1.5 वोल्ट से 9 वोल्ट तक। तो गाइज अभी मैंने ये एक पीवीसी पाइप का बॉक्स टाइप बना लिया है और गाइज इसके अंदर मैंने एक एलईडी और गाइज इसके अंदर मैंने होल्स भी कट कर लिया और गाइज इसका नीचे का बेस भी मैंने बना लिया है। तो गाइज इस वाले होल के अंदर हमें एक ऑन ऑफ स्विच लगाएंगे, तो इसको अंदर लगा लेते हैं। और गाइज ये मैंने एक चार्जिंग का सॉकेट लिया और गाइज मैंने इसके ऊपर एक डायोड भी कनेक्ट कर लिया है और गाइज इस डायोड का नंबर IN4007 है। तो गाइज इस सॉकेट को भी हम इसके अंदर लगा लेते हैं और गाइज फेविक्विक की हेल्प से हम इसको चिपका लेते हैं। तो गाइज अभी आपको LED के माइनस वाले पॉइंट को चार्जिंग सॉकेट के माइनस वाले पॉइंट पर सोल्डरिंग कर लेना है और LED का जो पॉजिटिव लेग है उसको चार्जिंग सॉकेट के पॉजिटिव लेग पे आपको सोल्डरिंग कर लेना है। तो गाइज अभी आपको एक लेनी है मोबाइल की पुरानी बैटरी और गाइज इसको आपको इस बॉक्स के अंदर लगा लेना है और गाइज इसका जो माइनस वाला लेग है उसको गाइज डायोड के आपको पॉजिटिव साइड पे आपको सोल्डरिंग कर लेना है। और गाइज जो पॉजिटिव लेग है वो गाइज आपको चार्जिंग सॉकेट के पॉजिटिव वाले लेग के ऊपर सोल्डरिंग कर लेना है। तो गाइज इसका पूरा सर्किट डायग्राम मैं वीडियो के आपको बीच के अंदर दे दूंगा, तो आप वहां से भी कनेक्शन कर लेना। और गाइज वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज अभी आपको इन्वर्टर सर्किट लेना और गाइज इसके ऊपर अच्छे तरीके से टेपिंग कर लेनी है, जिससे इसके अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। तो गाइज अभी आपको एक हीट सिंक लेना और गाइज इसको ट्रांजिस्टर के ऊपर आपको लगा लेना है बढ़िया से, जिससे यह हमारा ट्रांजिस्टर खराब नहीं होगा। तो गाइज इसका अभी आपको माइनस वाला जो वायर है इसको आपको बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर लेना है। तो गाइज अभी आपको स्विच लेना और उसके ऊपर एक गाइज आपको वायर को कनेक्ट कर लेना है।
गाइस स्विच के एक टर्मिनल के ऊपर आपको इन्वर्टर के पॉजिटिव वाले लेग को सोल्डरिंग कर लेना है और गाइस दूसरे स्विच के बचे हुए वायर को आपको बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल के ऊपर सोल्डरिंग कर लेना है। तो गाइज अभी आपको एक बल्ब होल्डर ले लेना और गाइज इस बल्ब होल्डर को आपको इस पीवीसी शीट के पीस के ऊपर लगा लेना इसके अंदर। और गाइज इन दोनों वायर्स को आपको बल्ब होल्डर के दोनों टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर लेने हैं। तो गाइज अभी हमारा इन्वर्टर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो गाइज इसको अभी आपको बंद कर लेना है अच्छे से फेविक्विक की हेल्प से। तो गाइज अभी हमारा मिनी इन्वर्टर बनकर रेडी हो चुका है और गाइज हम इसको चार्ज अपने मोबाइल चार्जर की हेल्प से कर सकते हैं। और गाइज जैसे ही हम इसके अंदर चार्जर को लगाते हैं तो ये एक रेड कलर की एलईडी ग्लो हो रही है। तो गाइज अभी आपको एक ले लेना है एक एलईडी बल्ब जो कि है गाइज 7 वाट का। और गाइज अभी हम इसको इसके अंदर लगा लेते हैं और गाइज जैसे ही हम इसका बटन प्रेस करते हैं तो ये गाइज ग्लो हो रहा है, आप देख सकते हो गाइज। गाइज ये वीडियो बिल्कुल रियल है, आप इसको घर पर भी ट्राई कर सकते हो। अगर गाइज चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइज वीडियो को लाइक करना। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। We'll be right back.